अफ्रीका के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अकेले ही अपने बरगद के पेड़ पर अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। टुनटुनी चिड़िया के पति का हाल ही में एक दुर्घटना में निधन हो गया था। तब से टुनटुनी चिड़िया अकेले ही अपना जीवन बसर कर रही थी। टुनटुनी चिड़िया ने अपने घोंसले में 3 अंडे दे रखे थे। उसका घोंसला इतना छोटा था कि उसके 3 अंडे रखने के बाद घोंसले में एक चींटी के बैठने की भी जगह नहीं रहती थी। इसलिए चिड़िया हर समय घोंसले के बाहर ही डाली पर बैठा करती थी, यहाँ तक कि उसी डाली पर सोया भी करती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर बैठी अपने अंडों पर नजर रख रही थी। तभी अचानक जंगल के कुछ पक्षी भाग दौड़ कर रहे थे। ये देख कर टुनटुनी चिड़िया हरिया काका को आवाज लगाती है। अरे हरिया काका, ओ हरिया काका। अरे अरे चिड़िया बहन, अरे आप यहाँ क्यों बैठी हो? अरे अपने अंडों को लेके भागो यहाँ से। क्या काका, क्या हो गया? अरे चिड़िया बहन, हमारे जंगल में बहुत खतरनाक बाज घुसाया है और वो पक्षियों के अंडे और उनके बच्चों को खा रहा है। इसलिए हम सब अपने बच्चों को लेकर इस जंगल से भाग रहे हैं। आप भी अपने अंडों को लेकर यहाँ से भाग जाइए। इतना कहकर हरिया काका अपने बेटे को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया घबरा जाती है। अरे बाप रे, मेरे 3 अंडे हैं, अब मैं क्या करूं? मैं एक साथ 3 अंडों को नहीं ले जा सकती, क्या करूं? टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपने अंडों को उस बाज से बचाए। तभी टुनटुनी चिड़िया की नज़र उसी बरगद के पेड़ के पत्तों पर पड़ती है, जिसके बाद टुनटुनी चिड़िया एक एक करके कई सारे पत्ते तोड़कर अपने घोंसले और अपने अंडों को उन पत्तों से छुपा देती है। अब मेरे अंडे वो बाज नहीं देख पाएगा। तभी वो बाज वहाँ आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया उस बाज को देखकर पेड़ की डाली के पीछे छुप जाती है। बाज उसी डाली पर आकर बैठ जाता है जहाँ टुनटुनी चिड़िया के अंडे घोंसले में पड़े हुए थे। अरे बाप रे, ये बाज तो मेरे घोंसले के पास ही आकर बैठ गया। अगर इसने मेरे घोंसले को देख लिया तो ये मेरे 3 अंडों को खा जाएगा। इस जंगल के हर पक्षी के अंडे को खा जाऊंगा। तभी बाज की नज़र उन पत्तों पर पड़ती है जहाँ टुनटुनी चिड़िया का घोंसला था। अरे ये इतने सारे पत्ते यहाँ कैसे? चलो मैं देखता हूँ क्या है इसके नीचे। बाज वहाँ आ जाता है और सारे पत्तों को हटाता है। वो पत्तों को जैसे ही हटाता है, वहाँ घोंसले में टुनटुनी चिड़िया के 3 अंडे पड़े हुए थे। ये देखकर बाज बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, यहाँ तो 3 अंडे हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया तेजी से उड़कर वहाँ आती है। अरे बाज भाई, आप ये क्या कर रहे हो? मैं इन 3 अंडों को खाने जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं बाज भाई, आप ऐसा मत करना वरना आपका पेट खराब हो जाएगा। अरे वाह, इन अंडों को खाने पर मेरा पेट खराब हो जाएगा, फिर तो मैं इन अंडों को जरूर खाऊंगा। लगता है ये बाज पागल है, इसे हर बात उल्टी समझ आती है। अरे बाज भाई, ये जादुई अंडे हैं। क्या जादुई अंडे हैं? हाँ हाँ बाज भाई, ये अनजान पक्षी का घोंसला है। उसने इस घोंसले में अंडा दिया था और पता नहीं फिर वो कहाँ चला गया। उसके बाद ही 1 से 2 अंडे हो गए और अपने आप ही 2 से 3 अंडे हो गए। जंगल के पक्षी ने जब ये देखा तो कोई भी पक्षी अंडों के पास नहीं आता। आप भी इन्हें मत खाइए वरना आपके साथ क्या होगा, इस बात का अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते। अरे वाह, ये अंडे अपने आप 1 से 2 और 2 से 3 हो गए। इसका मतलब ये 3 से 4 और 4 से 5 भी हो सकते हैं। हाँ ठीक है बहन, क्योंकि ये जादुई अंडे हैं ना, इसलिए इसका मतलब ये 100 अंडे भी हो सकते हैं। अब तो मैं इन अंडों को गोद में रखूंगा और पूरे 100 अंडे हो जाएंगे, तो मैं इन्हें खा जाऊंगा। अच्छा बहन, अब तुम जाओ। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उठकर बगल वाले पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और वहीं से अपने अंडे और अपने घोंसले पर नजर रखती है। वो बाज उसी घोंसले के आजू बाजू घूमता रहता है। ये तो एक नंबर का पागल बाज है, मैं इसे कौन सी बात कह रही हूँ और ये क्या सुन रहा है? और इसने तो मेरे अंडों और मेरे घोंसले पर ही कब्जा कर लिया। मुझे कैसे भी करके अपने अंडों को वहाँ से निकाल
निकालना होगा। इस पागल बाज को कोई भरोसा नहीं, तभी मेरे अंडों को खा जाए। टुनटुनी चिड़िया वही पेड़ की डाली पर बैठकर अपने अंडों पर नजर रख रही थी। उधर वो पागल बाज पूरे घोंसले का चक्कर लगा रहा था। ए अंडे, जल्दी से 100 अंडे हो जा। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं, पर वो 3 अंडे जैसे के तैसे उस घोंसले में पड़े हुए थे। जब बाज ये देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है और वो टुनटुनी चिड़िया को आवाज लगाता है। अरे कहाँ हो चिड़िया बहन, इधर आओ। टुनटुनी चिड़िया भी कई दिनों से वहीं बैठकर अपने अंडों पर नजर रख रही थी। बाज की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसके पास आती है। क्या हुआ बाज भाई? तुमने तो कहा था ये अंडे अपने आप 1 से 2 हो जाते हैं। इस पागल बाज के चक्कर में कहीं मैं पागल न हो जाऊं। पता नहीं कहां से इस पागल बाज को मेरे अंडे दिख रहे थे। अरे बाज भाई, ये जादुई अंडे हैं और ये 1 से 2 तभी होते हैं जब कोई भी इन्हें नहीं देख रहा होता। आप तो हर समय अंडों पर नजर रख रहे हो, तो फिर ये अंडे 3 से 4 कैसे होंगे? अरे बाज भाई, आप रात को सो जाया करो। जब आप रात में सो जाओगे ना, तो आप खुद देखोगे कि सवेरे ये अंडे 4 हो गए। अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर आज रात को मैं सो जाऊंगा। रात के समय बाज उसी घोंसले के बाहर गहरी नींद में सो गया था। तभी टुनटुनी चिड़िया के एक अंडे से बच्चा निकल आता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया फौरन अपने अंडों के पास आती है। अरे, मेरे तो एक अंडे से मेरा बच्चा निकल आया। मुझे जल्दी इस बच्चे को यहाँ से ले जाना होगा। अगर इस बाज ने देख लिया तो ये तो मेरे बच्चे को खा ही जाएगा। टुनटुनी चिड़िया का बच्चा जैसे ही आवाज करने लगता है तो टुनटुनी चिड़िया अपने पैरों से अपने बच्चे को छुपा कर वहाँ से लेकर दूसरे पेड़ पर आ जाती है। तभी दोनों अंडों से भी बच्चे निकल आते हैं। चलो, मेरे तीनों बच्चे तो अंडे से निकल आए हैं। अब मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने तीनों बच्चों को ले जाती है और वहाँ से बहुत दूर चली जाती है। उसके घोंसले में उसके अंडे के 2-2 खाली टुकड़े पड़े हुए थे। अगले दिन सवेरे जब वो पागल बाज इतने सारे खाली अंडे के टुकड़ों को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे ये क्या, ये अंडों को किसने फोड़ दिया? अरे वो टुनटुनी चिड़िया कहाँ है? टुनटुनी चिड़िया पागल बाज को पागल बनाकर वहाँ से बहुत दूर चली गई और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। जंगल में एक पेड़ पर रानी चिड़िया का घोंसला था। एक दिन कहीं से एक कौआ उड़ता हुआ आया और चिड़िया के घोंसले के पास बैठ गया। उसने चिड़िया से प्यार से बातें की और दोनों में दोस्ती हो गई। उस दिन के बाद से कौआ रोज रानी चिड़िया से मिलने आने लगा। दोनों ढेर सारी बातें करते और एक दूसरे के साथ टाइम बिताते थे। कई बार खाने की तलाश में भी साथ साथ जाते थे। एक दिन कौआ और चिड़िया खाने की तलाश में निकले। उड़ते उड़ते वो एक गांव में पहुंचे। वहां एक घर के आंगन में चटाई पर मिर्ची सूख रही थी। जब कौए की नजर लाल मिर्च पर पड़ी, वो चिड़िया से बोला, देखो देखो लाल मिर्च। दोनों नीचे चटाई के पास आकर बैठ गए। चिड़िया बोली, चलो एक कॉम्पिटिशन करते हैं, देखे कौन ज्यादा मिर्चे खा पाता है। ठीक है, लेकिन जो जीता वो दूसरे को खा जाएगा। कौआ कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हो गया। चिड़िया ने सोचा कौआ मजाक कर रहा है, इसलिए वो भी तैयार हो गई। दोनों ने मिर्चे खाना शुरू किया। चिड़िया ईमानदारी के साथ मिर्च खा रही थी, लेकिन कौआ चिड़िया से नजर बचाकर बेईमानी करने लगा। कौआ कुछ मिर्चे खाता और कुछ को चटाई के नीचे छिपा देता। इस बेईमानी की वजह से कौआ जीत गया। जीत की खुशी में वो चिल्लाया, मैं जीत गया, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कौए की बात सुनकर रानी चिड़िया बहुत दुखी हुई। वो तो कौए को अपना दोस्त समझती थी, लेकिन कौए ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। कौआ चिड़िया को खाने के लिए उतावला होने लगा। तब चिड़िया बोली, ठीक है तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन मुझे खाने से पहले अपनी चोंच धोकर आओ। पता नहीं तुम क्या क्या खाते हो और तुम्हारी चोंच बहुत गंदी रहती है। कौआ चिड़िया की बात मान गया और उड़कर नदी किनारे चला गया। जब उसने नदी से पानी मांगा तो नदी बोली, मैं तुम्हें पानी देने को तैयार हूँ, लेकिन पहले एक मटका लेकर आओ, उसमें जितना चाहो उतना पानी ले जाना। कौआ उड़ता हुआ कुम्हार के पास गया। सुनो, मेरे लिए एक अच्छा सा मटका बनाओ। कुम्हार बोला,
बोला, मैं तुम्हारे लिए मटका बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे मिट्टी की जरूरत होगी। अभी मेरे पास मिट्टी नहीं है, मुझे थोड़ी मिट्टी ला कर दो। कौआ उड़ता हुआ खेत में पहुंचा और अपनी चोंच से मिट्टी खोदने लगा। तभी धरती बोली, पूरी दुनिया जानती है तुम कूड़ा और गंदगी खाते हो। मैं अपनी मिट्टी पर तुम्हें चोंच नहीं मारने दूंगी। अगर तुम्हें मिट्टी चाहिए तो फावड़ा लेकर आओ। कौआ लोहार के पास गया और उससे बोला, मुझे एक फावड़ा बना कर दो। लोहार बोला, अगर तुम्हें फावड़ा चाहिए तो मुझे आग ला कर दो। कौआ पास में एक किसान के घर गया। वहाँ किसान की पत्नी खाना बना रही थी। कौआ उससे बोला, मुझे आग चाहिए। किसान की पत्नी ने चूल्हे में जलती हुई एक लकड़ी निकाल कर कौए की चोंच पर रख दी। आग की चपटे उसके पंखों पर लग गई। कुछ ही देर में कौआ जलकर राख हो गया। तो इस तरह कौए को अपनी धोखे की सजा मिल जाती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।